नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। ब्रॉडकास्ट मंत्रा में आपका स्वागत है। हर रोज एक खोज, उम्मीद वक्त का सबसे बड़ा सहारा है। जो हो हौसला तो मौजों में भी किनारा है। सवा अफगानी ने ये शेर जो है वो हौसला को देकर लिखा है। और मयूर दुमाशिया मेरे साथ हैं, मुंबई से आए हैं, जो कि हौसले से लबरेज हैं। जज्बा है समाज को देने का। हम इनका आपसे परिचय करा दें कि ये क्रिकेट खेलते हैं, दिव्यांग क्रिकेट, जिसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। और ये निकल पड़े हैं मुंबई से दिल्ली के लिए, 5 राज्यों की यात्रा करने के लिए। सबसे पहले मयूर, मैं आपको आपके जज्बे को सलाम करता हूँ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। मयूर जी, आपको ये जज्बा कैसे आया? आप क्रिकेट बहुत अच्छी खेलते हैं और आपने फिर साइकिल भी थाम लिया है कि आप कुछ संदेश देना चाहते हैं। क्या संदेश आपका? जी, सबसे पहले जब ये मतलब एक्सीडेंट हुआ उसके बाद तो काफ़ी निराश रह चुका हूँ बहुत काफ़ी पीरियड तक। लेकिन कहीं ना कहीं पे मेरे स्पोर्ट्स ने मेरे को काफ़ी ऊपर लेके आया। पहले मतलब रनिंग वगैरह भी करते थे, उसके बाद 2015 से मतलब मैंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया। काफ़ी स्टेट मैचेस खेलने के बाद, बहुत सारे चैलेंजर मैचेस खेलने के बाद मेरा जो टीम सिलेक्शन था वो डिजेबल्ड स्पोर्टिंग सोसाइटी इंडिया टीम में सिलेक्शन हुआ। उसके बाद काफ़ी मैचेस में मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट भी किया। और ये करने के पीछे जो मकसद था वो यही था कि मतलब मुझे अपने आप से हार नहीं माननी थी। कहीं ना कहीं पे ऐसा लगना नहीं चाहिए था कि नहीं मतलब मैं हार चुका हूँ, क्योंकि जनरली ऐसा होता है। मैंने काफ़ी दिव्यांगों को ऐसा देखा है कि मतलब ऐसा अगर कुछ हो जाता है, अगर एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ भी होता है, तो उसके बाद जो है उनकी लाइफ थोड़ी सी फुल स्टॉप की तरफ बढ़ती है। लेकिन मैंने उसको डिसाइड किया कि मैं उसको फुल स्टॉप नहीं बनाऊँगा, मैं उसे एक कॉमा बना के आगे चलूँगा। और साथ ही साथ मतलब और अगर मैं चाहूँ तो मैं मतलब अलग फील्ड में जाके भी मतलब मैं अपनी अर्निंग कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, मैंने अपना जो प्रोफेशन है वो भी मैंने टीचिंग चूज़ किया, ताकि मुझे ऐसा फील होता है कि कहीं ना कहीं पे मुझे देख के अगर कोई मेरे बच्चे, आज मैं मुंबई में अभिनव डिग्री कॉलेज में मैं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर काम करता हूँ। ये सब करने के पीछे जो मकसद है वो ये है कि टीचिंग में भी रहना, कि कहते हैं ना कि मतलब अगर मैं बच्चे लोगों के साथ यूथ से कनेक्टेड रहूँगा तो कहीं ना कहीं पे जो बच्चे हताश होते, जो निराश होते, मुझे देख के अगर उन लोगों में थोड़ी सी भी चिंगारी जागी कि अरे यार जब ये मतलब ऐसे हो के जब ये कर सकते तो डेफिनेटली हम भी कर सकते हैं। संदेश देना चाहते हैं, आप साइकिल पर आ गए हैं बेटी बचाओ को लेकर, महिलाओं की सुरक्षा, और जैसे कि डॉक्टर अनिल ने भी कहा कि गड्ढे भी भरते हैं, तो कौन सी टीम है आपके साथ, कैसे आपका सफ़र होगा, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। जी, कुछ महीनों पहले मतलब 4-5 महीनों पहले मतलब मेरे दिमाग में ऐसा कुछ ख्याल आया कि मतलब कुछ अलग किया जाए। तो ये जो है मेरा आइडिया जो है मैंने एम्पल मिशन जो है उनके साथ मैंने शेयर किया, सिद्धांत मुरार का, जिसे मैंने ये बात शेयर की कि मुझे एक साइकिलिंग इवेंट पे जाना है। और ये साइकिलिंग इवेंट जो होगी ये सबसे लंबी जर्नी होगी, मतलब मैं छोटी जर्नी नहीं करना चाहता, ये बहुत बड़ी जर्नी होगी। और मैंने कहा कि मुझे दिल्ली से मुंबई साइकिलिंग करनी है। तो पहले तो उनको भी ये थोड़ा शौक लगा कि मतलब वाकई में आप क्या ये कर पाओगे, लेकिन यस, उसके बाद उन्होंने बोला कि अगर आप वाकई में करना चाहते हो तो यस, वी आर रेडी टू हेल्प। उन्होंने फिर धीरे धीरे सब हम लोगों ने फाइनलाइज करना स्टार्ट किया। थोड़ी दिक्कत हुई हम लोगों को इनिशियल स्टेजेस में, क्योंकि लिए इतना बड़ा मुकाम था, इतना बड़ा जो ये था डिस्टेंस था, उसको पूरा हिस्सों में स्प्लिट करना, ये वाकई में बहुत हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था। लेकिन धीरे धीरे हम लोगों को एक पर्सन मिले, परविंदर पाजी है, वो मिल गए। फिर मेरा एक स्टूडेंट है जयशंकर मंडल, वो मुझे ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया। तो मयूर निकल गए हैं और कारवा बनेगा, 5 राज्यों से होता जाएगा। आप जब भी जहां मयूर आपको मिले, आप उससे मिलिएगा, उसका हौसला बढ़ाइएगा और उसके साथ चलिएगा, तभी समाज आगे जाएगा। जी, आप देखते रहिए ब्रॉडकास्ट मंत्रा।